बच्चों देखिए, क्लास सिक्स का यूनिट नंबर सेवन हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन एंड डाइट। उसमें जो टॉपिक है तो हमने सारी चीज़ें देखी कि जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इन सारी चीज़ों की हमें जो है वो ज़रूरत होती है। तो बैलेंस डाइट इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब बैलेंस डाइट जो पेज नंबर 53 है उसमें, ठीक है, बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है। एक बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है, हम जो भी रोज़ खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको बोला जाता है डाइट। ठीक है, यानी जो भी कुछ आप खा रहे हैं सवेरे से शाम तक, जब भी आप सोते हैं उस वक्त तक आप जितना भी कुछ खा रहे हैं वो होगी आपकी डाइट। अब बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है, जो भी आपको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है आपके बॉडी को, जो चीज़ की ज़रूरत है वो अगर आपको सही तरीके से मिल रहा है तो उसको बोला जाएगा बैलेंस डाइट। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर खाने को बैठ गए तो सिर्फ रोटी खा रहे हैं, अब सिर्फ रोटी खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो आपको रोटी भी खाना है, चावल भी खाना है, दाल भी खाना है, हरी सब्जियां भी खाना है, कच्ची सब्जियां जो होती है वो भी खाना है, विटामिन सी वाले जो लेमन वगैरह खाना है वो भी खाना है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स है वो भी खाना है, वेजिटेबल्स भी खाना है, दूध जैसे प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध से बनी हुई प्रोडक्ट वो भी लेना है, कुछ ऑयल फैट्स यानी ऑयली चीज़ें जो होती है वो भी लेना है, क्योंकि सारी चीज़ों की जो है आपको ज़रूरत होती है। पर ऐसा नहीं कि आपने जो है आपको ऑयल की ज़रूरत है, ठीक है, फैट की ज़रूरत है तो आपने बहुत ज़्यादा ऑयल खा लिया, ऐसा नहीं। हर चीज़ की ज़रूरत है कि ऑयल जो है वो सबसे कम की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ज़्यादा खाना चाहिए, जो कम खाने की ज़रूरत थी उनको कम खाना चाहिए, तभी वो बैलेंस डाइट रहेगी। क्यों, नहीं तो हम जो ऑयल है वो ज़्यादा खा लेंगे तो आपको मोटा बन जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतना ही है। अब देखिए, आपको एक पिरामिड भी दिया है आपके बुक में, ठीक है। अब ये जो पिरामिड आपको दिया है तो वो क्या शो करता है, नीचे वाला जो एरिया है वो सबसे बड़ा एरिया है, क्लियर। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी है उसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो एरिया है वो वहाँ पे कम स्पेस है नीचे से, तो ये थोड़ी कम ज़रूरत है, ये थोड़ी इससे ये कम ज़रूरत है, और लास्ट में आपको दिया है फैट्स, यानी इसमें जो ऑयली वगैरह चीज़ें होती है, घी है, बटर है, ऑयल है, ये लास्ट में छोटा सा दिया है कॉर्नर, तो इसकी ज़रूरत जो है वो हमारे बॉडी को सबसे कम होती है। ये इस पिरामिड के द्वारा जो है वो दर्शाया गया है। देखिए, बैलेंस डाइट में क्या बोला है, ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड अवर डाइट। जो भी हम दिन भर में खाते हैं उसको क्या बोला जाता है, डाइट। अ डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या बोला जाता है कि डाइट में अगर आपको न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत है उतनी अगर न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं तो उसको बोला जाएगा बैलेंस डाइट। सारा कुछ मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, फैट, ऐसे आप खाना खा रहे हैं जिससे आपको सब कुछ मिल रहा है उसको बोला जाएगा बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट जरूरी क्यों होती है, देखिए, टू बिल्ड अ स्ट्रांग एंड हेल्दी बॉडी। हमारी बॉडी को अगर स्ट्रांग एंड हेल्दी रखना है तो बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। यू नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन, तो राइट प्रोपोर्शन में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, एंड इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन डेली डाइट। डेली डाइट में हमें जो है वो अगर सब कुछ अच्छी तरीके से मिलता है तो हमारी बॉडी स्ट्रांग, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहने के लिए मदद होती है, बॉडी माइंड सारी चीज़ें जो है वो आपकी सही रहने के लिए मदद होती है, तो आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। इसके फायदे क्या है, देखिए, और हमारी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, फिजिकल यानी बॉडी अपनी अच्छी रहती है, हमारी डिसीज़ नहीं होती, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, इंक्रीज कैपेसिटी टू फाइट रेजिस्ट यानी इम्यूनिटी अच्छी होती है, यानी डिसीज़ से हम रेजिस्ट कर पाते हैं, हेल्प इन अ प्रॉपर ग्रोथ इन बॉडी, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर ग्रोथ होती है। तो ये सारा जो है वो बैलेंस डाइट पे निर्भर करता है। देखिए, यहाँ पे आपको दिया है सीरियल्स एंड पल्सेस, नीचे के टेबल में पिरामिड में ज़्यादा क्वांटिटी में दिया, यानी जो कड़धान्य होते हैं उसको जो है वो हम बोलते हैं पल्सेस, तृणधान्य को सीरियल्स, ठीक है, जो रोटी है, दाल है, वो सारा इसमें होता है। उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है पर इसके कम मात्रा में होती है। उसके बाद मिल्क, मीट, फिश, वो थोड़ा कम क्वांटिटी में, और सबसे कम क्वांटिटी में होता है फैटी सब्सटेंस यानी जो ऑयल, घी, बटर वगैरह होता है उसकी सबसे कम ज़रूरत होती है। तो इस प्रोपोर्शन में हमें जो है वो डाइट की ज़रूरत होती है। अपार्ट हैविंग द बैलेंस डाइट वी ऑल्सो नीड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कूप आवर सेल्फ। देखिए, अगर हम डाइट ले रहे हैं और बॉडी को अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो भी काम नहीं करता। देखिए, एक्सरसाइज अगर करोगे तो ब्रेन में ऐसे ऐसे जो हार्मोन्स है वो पैदा होते हैं जो आपको फ्रेश रखने के लिए, सेराटोनिन है, डोपामिन है, जिससे आप फ्रेश रहने के लिए आपकी मदद होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एक्सरसाइज अगर करोगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बैलेंस डाइट के साथ आपको आपकी एक्सरसाइज भी जो है वो ज़रूरी है। देखिए, अब हमें जो है वो हमारी बैलेंस डाइट कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी का मतलब क्या है, हमें सारी चीज़ें खानी पड़ेगी जितनी भी है, जो कम है वो कम खाना पड़ेगा, जो ज़्यादा की ज़रूरत है वो ज़्यादा की, जो पिरामिड में दिया है वो सारा। देखिए, टू इंश्योर दैट वी गेट अ बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट,
बैलेंस डाइट किससे मिलता है, जो भी हम खा रहे हैं उससे हमें डाइट मिलती है, पर बैलेंस करना है तो पिरामिड के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऑल फूड वी ईच ईट आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप, जो भी हम फूड खाते हैं उसको वेरियस ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। स्पेस अलॉट इन ईच फूड ग्रुप, जो पिरामिड में जो आपको स्पेस दिया है, जैसे मैंने आपको बोला है ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा की ज़रूरत है, कम स्पेस है तो कम की ज़रूरत है। डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन इन विच शुड वी इंक्लूड इन अवर डाइट, हेंस वी कैन चूज फूड फ्रॉम ईच ग्रुप डेली अकॉर्डिंग टू स्पेस अलोकेटेड इन द पिरामिड। तो जो स्पेस दिया है आपको पिरामिड्स में, ज़्यादा है तो ज़्यादा की ज़रूरत, कम है तो कम की ज़रूरत। इफ़ वी चूज सम एटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप इन द राइट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द पिरामिड, अगर हम पिरामिड में दिए गई चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो हमें बैलेंस डाइट जो है मिल जाती है। और फाइबर की ज़रूरत होती है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसमें फाइबर होता है, फाइबर से क्या होता है हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, जो खाना हम खाते हैं जो हमारा पेट साफ होने के लिए मदद होती है, तो बीमारियां कम आती है। देखिए फाइबर, इफ़ वी सिलेक्ट अ डेली डाइट विच इंक्लूड वेजिटेबल फ्रूट स्प्राउटेड या सीरियल्स, इससे इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, और ये अगर हम खाते हैं सफिशियंट क्वांटिटी में तो फाइबर मिलता है तो हमारे जो है वो डाइजेशन में मदद करता है, पेट साफ रखने के लिए मदद करता है। वी ट्रबल डू वी हैव अ फेस इफ वी डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम, अगर हमें अच्छी तरीके से फाइबर हमारे अंदर नहीं गया तो हमें ट्रबल यानी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वॉट केयर मस्ट बी टेकन वी मेक श्योर दैट द फाइबर इज नॉट लॉस्ट और रिमूव, यानी हम क्या सावधानी रख सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे बॉडी से फाइबर यानी फूड जो है नहीं जाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में उसको खाने की ज़रूरत है। अब वाटर, ऐसा तो है नहीं कि आपने सब कुछ खा लिया और पानी, पानी की तो सबसे, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है तो पानी है, पानी से भी हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, सारी चीज़ें डाइजेस्ट होने के लिए मदद करती है, सर्कुलेशन अच्छा रहता है। अलॉन्ग विथ ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स द बॉडी नीड्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, अगर पानी की कम हो जाती है तो बॉडी हाइड्रेटेड जो है वो नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत ही आ जाए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फॉर दिस पर्पज वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत, फ्रूट जूसेस, प्लेंटी ऑफ वाटर। अब ये जूस ले रहे हैं उससे भी हमें क्या मिल रहा है, उसमें भी ज़्यादा परसेंटेज में क्या होता है पानी होता है, तो पानी हमें जो है वो मिलता है। तो मोटा मोटा यहाँ पे बैलेंस डाइट में हमें सारी चीज़ें लेनी है, न्यूट्रिएंट्स भी लेना है और पानी भी 4-5 लीटर रोज का जो है वो पानी भी हमारे बॉडी में जाना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखते हैं मल न्यूट्रिशन क्या था, मल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, एक होता है मल न्यूट्रिशन, एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मीनिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं तो उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जितना विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट चाहिए वो अगर आपके बॉडी में नहीं मिलेगा तो बॉडी सूखती चली जाएगी, तो उसको बोला जाता है मल न्यूट्रिशन। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है तो उसको ओवर न्यूट्रिशन मिलता है। मल न्यूट्रिशन भी बेकार है और ओवर न्यूट्रिशन भी मिला है, बैलेंस चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। देखते हैं मल न्यूट्रिशन क्या है। देखिए मल न्यूट्रिशन ऑकर वेन ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स, जितने भी न्यूट्रिशन की बॉडी को ज़रूरत होती है वो अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमारे बॉडी को नहीं मिलती, नीड्स आर नॉट ऑब्टेन इन प्रॉपर प्रोपोर्शन फ्रॉम आवर डाइट, दिस हैपन्स व्हेन पर्सन डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड। वो कब बोलता है, जब सफिशिएंट फूड नहीं मिलता, खाने को कुछ नहीं मिलता, और व्हेन द डाइट इज नॉट बैलेंस, जब डाइट बैलेंस नहीं होती, एक ही प्रकार का खाना खा रहे उससे भी जो है वो मल न्यूट्रिशन हो सकता है। इफ वंस डाइट एक्सीड, अगर बहुत ज्यादा डाइट में ज्यादा खा रहा है, वंस नीड इज कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, यानी ज्यादा खा रहा है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दी है, ओवर न्यूट्रिशन में ऐसा हो जाता है, मल न्यूट्रिशन में ऐसा हो जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए हमें जो है वो ओबेसिटी को अवॉइड, ऐसा अगर है तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमें बैलेंस डाइट लेना है, ग्रेन्स ज़्यादा खाने हैं, फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल ज़्यादा खाने हैं, हमें एक्सरसाइज करनी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो साइकिल वगैरह होती है बाइसिकल वो चलाना है, आउटडोर गेम जो होते हैं हमारे घर पे टीवी नहीं देखना है, वीडियो गेम्स नहीं चलाना है, बाहर जाके जो है वो क्रिकेट्स खेलना है, फुटबॉल खेलना है, जो भी आप बाहर वाले गेम्स हैं वो खेलना है। करना क्या नहीं है, देखिए डू नॉट ईट इफ़ वी आर नॉट हंग्री, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो खाना नहीं खाना है, टीवी ज़्यादा नहीं देखना है, अगर जल्दी कहीं पे जाना है तो साइकिल से जाना है, पैदल जाना है, पर गाड़ी लेके नहीं जाना है, जो पैकेज वाले फूड होते हैं वो हमें अवॉइड करने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी है। तो जंक फूड के बारे में हम देख लेते हैं, जंक फूड क्या है। देखिए जंक फूड का मीनिंग क्या है, जो हमारी ओबेसिटी बढ़ाती है, न्यूट्रिएंट तो ज़्यादा मिलते नहीं और फालतू में दिक्कत पैदा करते, उसको बोला जाता है जंक फूड। देखिए चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, बॉटल्स के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, अट्रैक्टिवली पैकेज स्नैक्स, बहुत ज़्यादा स्नैक्स को अच्छे तरीके से पैकेज किया जाता है, एज ऑल्सो रेडी फ्राइड फूड स्टफ अवेलेबल इन दी मार्केट, आपको पता है कि मार्केट में जो है वो मिलते हैं, वड़ा है, पकौड़ा है, आर टेस्टी, ये टेस्टी तो होते हैं, हाउ यूर द फूड स्टफ कंटेन रिफाइंड फ्लेवर, शुगर ज़्यादा होती है, ऑयल ज़्यादा होता है इसमें,
व्हेन रिफाइंड फ्लेवर इज मेड फ्रॉम द व्हीट और व्हेन शुगर आर मेड फ्रॉम शुगर केन मेनी न्यूट्रिएंट्स इन द व्हीट और शुगर केन आर लॉस्ट। देखिए जब शक्कर बनती है, जो शक्कर किससे बनती है, शुगर केन से, तो शुगर केन जब बनती है तो वो न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। जैसे हम गन्ने का जूस पीते हैं तो उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर गन्ने के जूस का जब शुगर बनता है, रिफाइंड शुगर बनता है, तो उसमें से सारे न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। न्यूट्रिएंट है नहीं वो, हम शुगर खा रहे हैं तो बॉडी को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। हेंस ऑल वी गॉट फ्रॉम दिस फूड्स इज एनर्जी एंड आवर हंगरी सेट। तो हमें बॉडी में अंदर तो चली जाती है शुगर, हमारी भूख शांत हो जाती है, पर हमारे बॉडी को मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट मिलता नहीं है, हमारी भूख शांत हो जाती है, भूख शांत हो जाएगी, बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं, तो आप ऐसे होना शुरू हो जाओगे। नेचुरली इफ वी गेट अ लॉट ऑफ जंक फूड्स वी विल गेट इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ एटम्स फ्रॉम दी अदर फूड। यानी अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हमें इन प्रॉपर फूड मिलेंगे, यानी न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं जाएंगे। इफ दिस हैपेंस फ्रीक्वेंटली और बॉडी इन एक्सपीरियंस शॉर्टेज, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन विटामिन मिनरल का शॉर्टेज होगा और हमें मल न्यूट्रिशन होगा। सिंपल फंडा है, हम जो भी यानी जो जंक फूड्स खा रहे हैं उसमें कुछ है नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं, विटामिन्स नहीं, प्रोटीन। पेट में जैसे ही जाएंगे आपको एनर्जी मिल जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ भूख पूरी तरीके से शांत हो गई, पेट भर गया, पेट भरेगा, पर बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आपको मल न्यूट्रिशन होगा, आपकी बॉडी सूखती चली जाएगी। जंक फूड यानी सूखती भी चली जाएगी या फिर आपको डिसीज जल्दी होगा, जो आपके शरीर की लड़ने की क्षमता है वो आपको दिखाई नहीं देगी। जंक फूड ईटन फ्रीक्वेंटली ऑल्सो कॉज ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा खा लिया तो ओबेसिटी भी आ सकती है, ओबेसिटी जो है वो गुड नहीं है। एज सच फूड डू नॉट सप्लाई ऑल दी नेसेसरी न्यूट्रिएंट दे आर कॉल्ड जंक। यानी जंक फूड क्या होता है, जो फूड हमें हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं उसको बोला जाता है जंक फूड, सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड यानी मिलावट, जो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें मिलावट की जाती है, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे, वो अगर हम खा लेते हैं तो अच्छा नहीं होता। मिल्क की अगर हम बात करें तो उसमें पानी मिलाया जाता है, बहुत सारे केमिकल यूरिया स्टार्च मिलाया जाता है, तो वो क्या है, अडल्ट्रेशन है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट चीपर सब्सटेंस और लो क्वांटिटी आर मिक्स विथ फूड स्टफ। यानी फूड स्टफ में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ बेकार चीज़ें, सस्ती चीज़ें जो है वो ऐड की जाती है। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड अडल्ट्रेंस, उसे क्या बोला जाता है, अडल्ट्रेंस बोला जाता है। एडिंग टू दिस फूड स्टफ इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, उसे क्या बोला जाता है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, यानी जो मिलावट की जाती है। अडल्ट्रेशन में इवन भी पॉइजनस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। सच अडल्ट्रेशन फूड इज इम्प्योर एंड हार्मफुल टू दी कंजम्पशन, अनफिट, यानी अच्छा नहीं है खाने के लिए, अच्छा नहीं है क्योंकि मिलावट है। भाई मिलावट कैसी अच्छी रहेगी, बिल्कुल नहीं। अगर दूध में किसी ने यूरिया मिला लिया और वो दूध आपने पी लिया तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको कुछ अदर प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो चिली पाउडर है, चिली यानी जो मिर्च होती है, उसमें भी जो ब्रिक यानी जो अपनी ईट होती है उसका पाउडर मिलाया जाता है, पम्पकिन सीड का पाउडर मिलाया जाता है, पेपर स्कॉन में यानी अलग अलग आपके दिए आइसक्रीम में वॉशिंग सोडा भी मिलाया जाता है, पेपर में मिलाया जाता है, राइस में वाइट स्टोन मिलाया जाता है, कभी कभी आप खाते हैं तो खड़ाक से ये लग जाता है, पत्थर लग जाता है, तो वो क्या मिलावट है। पीनट्स में रेडिश पेबल स्टोन, तो ऐसी मिलावटें जो होती है उसको क्या बोला जाता है, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेंस यूज टू अडल्ट फूड आर सच दैट दे विल रिमेन अननोटिस। अब मिक्स ऐसे किया जाता है कि हमें दिखते ही नहीं, मिर्च पाउडर में अगर ब्रिक मिलाया जाती वो भी लाल कलर, ये भी लाल कलर, तो हमें दिखाई नहीं देता। मिल्क मिर्च पाउडर में, मिल्क की बात करें तो उसमें पानी दिखाई नहीं देता, या फिर स्टार्च यूरिया मिलाया नहीं जाता कि उसको ज़्यादा गाढ़ा दिखाई दे, तो ये क्या होता है, हमें नोटिस नहीं आता, हमें दिखाई नहीं देता। और अडल्ट्रेशन अगर करता है कोई तो ये क्राइम माना जाता है, और ये अगर कोई खाता है तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो ये कुछ है, तो पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जो रिमेम